MSLA TV رہنمائی بدلتي کے لیے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه اياما معدودات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسئ الله كناس ابتداء يسكينك نهي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الزات أقدس بركور درود سلامه جتمام جهان كلي رحمة للعالمين بنك آية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد कम बारक तब्राहिम वल इब्राहिम इन कहमीद मजीद ब्रदरन इस्लम वाजिबल बुज़र्गो दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक़ एहतराम माओ और बहनों अल्लाह तबारक व त माह मुबारक के सिलसिले में फ़रमान है कि अयाम मादू दात देखो ये गिनती के चंदिन हैं जब आलमीन इसे तैयारी करने के अतबार से गिनती के चंद दिन हैं मौके से फ़ायदा उठा लो देखो ये रमज़ान बातों बातों में निकल जाएगा अभी ऐसा मालूम होता है कि मैं पहले जुमा के लिए खड़ा हुआ लेकिन ये दूसरा जुमा है मुबारक का और मुकम्मल एक अशर जिसे कहते हैं दस दिन हो चुके हैं गोया के एक तहाई रमज़ान गुजर चुका है सिर्फ दो तहाई बाकी हैं और वो इससे ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाएंगे दरमियानी और तेज़ी लेकिन आखिरी अशरा तो यूं समझिए कि पलक झपकते गुजर जाता है और आखिरी में उनतीसवीं आती है लोग हजामों के दुकानों में खड़े होते नज़र आते ये हाल हमारा है तो ये रबालमीन का फरमाना बिल्कुल बजा है कि ये अयामम महदूदात ही हैं गिनती के चंद दिन हैं अभी इसमें कोई तैयारी कर लिया इस्तार कर लिया अल्लाह के हाँ रोया धोया माफ़ी तलब कर ली रब ने कर दी याद रखो उससे ज़्यादा नेक वक्त कोई बंदा नहीं लेकिन ऐसे ही गुजार दिया याद रखिए इससे ज़्यादा बदब्त भी कोई नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा इन अवकात को मेंटेन करना चाहिए कि कैसे हम मुबारक के 24 घंटे गुजारें खासकर इस माहौल में एक तरफ गर्मी का माहौल है दूसरी तरफ वबा का माहौल है तीसरी तरफ फितनों का माहौल है चौथी तरफ याद रखिए हमारे अपने हालात खुद इंटरनेशनल तौर पर लोग क्या करते थे रमज़ान में सुकून के लिहाज से रब के रबत की तलाश में उम्र को निकल जाते थे वो भी बैंड है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान का उम्र एक रमज़ान का उम्र हज के बराबर है एक दूसरी रिवायत में अल्फाज है मेरे साथ हज करने के बराबर या रब रब के फरमान के अपने हबीब के ज़रिए यह इतला दे रहा है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के साथ करो मौका ही कभी नहीं मिल सकेगा किसी को जो अल्लाह के रसूल वसल्लम के साथ सहाबा थे उन्हीं को मिला और वो भी एक ही हज पूरी ज़िंदगी में किया तो वो मौका अल्लाह तबारक को तआला देता है लेकिन वो भी मसाइल हैं आज तो ये तमाम चीज़ें अगर आप रख के सोचें देखें तो हमारी अक्लमंदी का सबूत यही है मेरे भाइयों कि ये एक एक लमहे की तयन करके एक एक लमहे को मुतिन करके ज़िंदगी गुजारें इसी वास्ते मैं कल देख रहा था कि बड़े बड़े कराम अपनी ज़िंदियाँ मुबारक में किस तरह शेड्यूल बना लेते थे या बड़े बड़े अपनी ज़िंदगियों को शेड्यूल बनाते हुए उम्मत को क्या पैगाम दिया किसी ने बताया है कि मुबारक के चौबीस घंटे कैसे गुजारें तो मुझे एक शेड्यूल मिला मैं आपके सामने पेश करता हूं देखिए कितना मुबारक शेड्यूल है हर कोई आम बंदा अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको तब्दील भी कर सकता है कोई मसला नहीं है लेकिन बुनियादी अहम तरीन तवज्जा हो क्योंकि ये दरअसल एक रमजान यानी एक महीने के रोजे रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक दस महीने के रोजे रखने के बराबर है क्योंकि एक ने की दस ने की है तो मुबारक के रोजे रखना आपको दस महीनों के रोजे रखने के बराबर है और रमजान मुबारक के बाद शवाल के छ रोजे तीन तीन के करके रख देना बारह महीने के रोजे रखने के बराबर है तीन का दस तीन रोजे मुकम्मल एक महीना रखने के बराबर है इसी वास्ते के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रमजानल मुबारक के रोजे रखता है फिर उसमें शवाल में छह रोजे भी मुकम्मल कर लेता है दहर के वो पूरा साल रोजा रखने के बराबर है हमेशा रोजेदार था वो क्यों एक का दस मिला एक का दस मिला छत्तीस रोजे बन गए छत्तीस इंटू दस कर दीजिए तीन सौ साठ दिन चांद के मुताबिक तीन सौ साठ दिन ही है अंग्रेजी कैलेंडर के, के मुताबिक 360 पर पांच दिन है साल के लेकिन हिजरी कैलेंडर के, के मुताबिक 360 दिन है और 360 दिन जिस पर छह दिन बराबर हो गए दस से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर छह रोजे बाद में रख ले शवाल के तो पूरे मिला के पूरा साल रोजा रखने के बराबर है अगर कोई ना रखे तो भी एक का दस उसे दस महीने रोजे रखने के बराबर तो मिल ही जाता है तो ऐसे जब रोजे में दस महीने का मिल जाता है इबादतों में भी उसको दस बार का सवाब मिलेगा ना जी उसका एक रुपया दस रुपया शुमार होगा उसकी एक नफली इबादत दस नफली इबादत शुमार होगी उसका एक जिक्र दस नफली जिक्र हर चीज दस से जब रब दे रहा है और यह भी तहदीद नहीं है यह तहदीद हरगिज भी नहीं है अल्लाह तबारक ने मिनिमम बताया है मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा ने ने नहीं बताया. रब ने नहीं बताया बताया हाँ. रब <mathalul> तुम एक दाना पेरते हो उसमें से सात बालियां निकलती यानी एक दाना, यानी एक बीज, एक बीज पेरते हो और वो बीज में जुगे का दाना हो या आकर आप कोई और चीज पेर रहे हों तो एक दाना पेरते हो तो अल्लाह तबारक ताला कहता है उस दाने से क्या है बालियां निकली बालियां निकली कितने निकली सात निकली सात बालियां निकली और हर बाली में सौ सौ दाने हैं सौ सौ दाने हैं सौ सौ दाने हैं तो सात बालियों के सात सौ दाने हो गए तो अल्लाह कहता है कि तुम एक रुपया एक ने की रब की राह में देखो दे दो तो अल्लाह भी वैसे ही उसको पेड़ देता है और उसमें से सात बालियां निकलती हैं और हर बाली में सौ दाने होते हैं तो अल्लाह एक का सात सौ देता है एक का सात सौ देता है यह भी तहदीद नहीं ये भी तहदीद नहीं आखिरी में फरमाया हम एक का सात सौ ही देंगे ना फरमाया कि वल्लाहु लिमन यशा ये हमने बता दिया कम से कम का हम चाहें तो सा हजार दें चाहे तो सात लाख दें सात करोड़ दें जो चाहे दें जितना चाहे दें हमारे देने में कोई कमी वाकई नहीं होती ये देने पर जब रब आया है तो आप लेने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं मैं पूछता हूं लेने में क्यों कंजूसी हाँ जी अभी राशन कार्ड के बदले क्या है एक एक को हजार रुपये मिल रहे थे तो कैसे धूप में खड़ के ले रहे थे आज ऐसी नहीं है जरा फैन क्या है कम है जरा ये भी प्रॉब्लम है तो लोग सोचते हैं कि साहब वैसे ही खींचेंगे नहीं जल्दी उतर जाएंगे हाँ जी सोचते हैं नहीं सोचते हैं नहीं सोचे तो अल्लाह मालिक बहुत अच्छे लोग हैं आप हैं लेकिन सोचते हैं ना हमें दरअसल ये चीजें दरअसल कीमती नहीं लगती हैं पैसा कीमती लगता है रब की मगफरत कीमती नहीं लगती रब की रहमत कीमती नहीं लगती तो रब तो कहता है मैं देने पे आया हुआ हूं और तुम ले लो हम कहते हैं कि नहीं जी हमें इंटरेस्ट नहीं है हमें जज्बा नहीं है हजरत अयूब जैसी शख्सियत मालूम है अयूब वाले ही सलाम आपको मालूम है कौन है ये नादा रब अंत अर हाँ अयुब इज नादारहू ये वो अयुब हैं जिनको मैं समझता हूं दुनिया की कोई तकलीफ सबसे ज्यादा कोई उठाया है तो भी उसको खड़ा करके खड़ा करके उस तकलीफ से एक लाख मरतबा जरब देंगे तो भी हजरत अयूब की तकलीफ के बराबर नहीं होगी उतनी तकलीफ अल्लाह तबारा को तला की तरफ से नाजिल हो हाँ इतनी तकलीफ शायद अल्लाह ने इसी वास्ते दुनिया भर के तकलीफ उठाने वालों के लिए मिसाल कायम करने के लिए ही अपने ही पैगंबर को चुना ताकि कोई आने वाला यह ना कहे कि मैं जो तकलीफ उठाया हूं वह कोई नहीं उठाएगा तो शायद अल्लाह खड़ा करके हजर के मैदान में गए देखो अयुब को देखो देखो क्या तकलीफ उठाया था यह बंदा लेकिन कभी भी हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाया था यह वो बंदा है जिसको हमने हर चीज से महरूम कर दिया बीमारी तो बीमारी ही थी ना जी लेकिन बेटों से महरूम कर दिया मालो दौलत से महरूम कर दिया हत्ता के बाद रिवायतों में आया है कि बीवी ने अपने बालों को मुंडवा कर वो बाले किसी जगह करके खाना लेके आना पड़ा तो हजरत अयूब ने पूछा कि आज क्या वाकया है कि तुम देर से आई हो तो कहा कि आज कहीं किसी ने खाना भी देने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से मैं अपना सर को मुंडवाया और उन बालों को बेचकर आपके लिए कुछ गिजा लेके आई हूं क्योंकि इस बीमारी में आप ना खाएंगे तो करीब है कि मर जाएंगे तब कहीं जाके हजरत अयूब ने कहा कि सर दिखाओ तो सर दिखाया तो बिल्कुल मुडा हुआ औरत का सर मुडा हुआ हजरत अयूब पैगंबर जैसी शख्सियत आ गया कहा कि मेरे से पूछे बगैर ये हरकत की हाँ मेरी मोहब्बत में की, मेरे खाने के लिए की, ये और बात है लेकिन तूने क्यों मुंडवाया मैं अगर अच्छा हो जाऊंगा तो मुझे सौ कोड़े मारूंगा खसम खाई इस हरकत के बदले मैं तुझे सौ कोड़े मारूंगा कि तूने अपने बाल मुडवा के बेच दिए अल्लाह अपना हबीब है ना जी अपने हबीब की बड़ी निगरानी करता है उनकी बातों को बड़ी वक्त देता है हजरत अयूब भी अल्लाह के हबीब थे ह हाँ। तबारक ने इनकी कसम को नहीं तोड़ा कहा कि अयूब तुमने कसम खाई है हालांकि बीवी बिचारी गलती पे नहीं थी वो इस कैफियत में थी कई दिन से तुम भूखे थे और पूरा कौम महल्ला बाइकॉट करके रखा हुआ था तुम्हें कुछ नहीं दिया खाना तब कहीं जाके वो अपने बाल फरोख करके तुम्हें खाना लाई थी और तुमने उसकी सजा कोड़े मुकर्र कर दी सजा में तो वही मिलेगी लेकिन कोड़े के बजाय काड़ियां होंगी झाड़ू का सौ काड़ियों का कट्टा उठा लो और एक ही मर्तबा तुम्हारी बीवी को मार दो और तुम्हारे सौ कोड़ों की कसम पूरी हो जाएगी यह पूरा वाक्य सुरह सात के अंदर और कुछ बिरेज़ली का हाला मुख्त बारी दूशरा यूब का वाक्य फिर अल्लाह कहा कि अपना पाऊं मारो वहां से चश्मा निकलेगा ये बड़ा ठंडा ठंडा पानी है इस पानी से नहाओ तुम्हारा पूरा बदन शिफा याब हो जाएगा तो ए एयूब इतनी ज्यादा मशक्कत और मसायब आलाम का शिकार होने के बाद जब अल्लाह ने कर्म करना चाहा, तो करता रहा करता रहा फिर माल भी दिया बच्चे भी दिए औलाद भी दिए यहां तक के वो जितना पहले रखते थे उससे ज्यादा ले लिया तो एक मरतबा नहा रहे थे एक मरतबा ये नहा रहे थे अचानक क्या देख रहे हैं कि जो नदी में नहा रहे हैं ना ऊपर से सोने की टिड्डियां गिर रही हैं सोने की सोने की बखारी की रिवायत के मुताबिक सोने की टिड्डियां ऊपर से आसमान से हजरत अयूब ने नहाना छोड़ दिया उन टिड्डियों को समेटना शुरू कर लिया इधर उधर उधर कहाँ कहाँ पड़ रही है सब अल्लाह ने कहा कि अयूब हमने तुम्हें इससे बेनियाज नहीं कर दिया था कितना माल दिया तुम्हें इसके बाद फिर मैं माला माल नहीं कर दिया तुम्हें अब मैं सोने की टिड्डिया गिराऊं तो तुम जाके वो ले रहे हो फिर भाग भाग के दौड़ दौड़ के कहा के अल्लाह तू देता है तो मैं क्यों महरूम रहू हाथिया बहुत है तू मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है लेकिन जब तू देने पे आता है तो मैं कौन हूं जो महरूम रहूं तेरी अटा पे तो महरूम नहीं होना चाहिए ना इस वास्ते में आगे बढ़ बढ़ के ले रहा हूं तो अल्लाह को यादा बहुत पसंद आई असल मकसूद भी यही कहना था मुझे ये वाकई असल में मैंने छेड़ा इस वास्ते ही था कि अल्लाह जब देने पे आता है तो महरूम क्यों रहो जी एक बादशाह देने पे आए एक मिनिस्टर अभी ऐलान हो जाए कि नीचे दरवाजे के नीचे कोई खड़ा हुआ है मिनिस्टर निकलने वालों को पांच पांच सौ के नोट दे रहा है तो क्या हाल होगा बंदे का खुतबा छोड़ के नहीं भाग जाएंगे आप है तो जब अल्लाह देने पे आ रहा है तो लेने पे क्यों आप कतरा रहे हैं लो कैसे कैसे देने पे आ रहा है रमजानुल मुबारक की रात से शुरू करो आप सो गए अल्हम्दुलिल्लाह सो जाओ शेड्यूल बनाओ जो भी पढ़े यहां पर पढ़े लेकिन आखिरी में एक दो रकात पढ़ने का मामूल बनाओ जब शहरी पे उठते हैं अपनी शहरी को उठना है तो तकरीबन पाओ आधा घंटा नहीं दस मिनट ऊपर करके उठा करो उू घंटा खाते हो तो दो रकात नफिल नमाज भी पढ़ लो वो अवकात में अगर आपने वितर कुल्ली अदा कर ली है और पढ़ने का नहीं है कम अज कम दुआएं तो अस, अल्लाह अपने नेक बंदों के सिलसिले में फरमाता है, ये वो बंदे होते हैं जो सहरी के वक्त करते हैं अस्त एक दो मिनट बैठ के दुआ कर लो ना क्या पकाया क्या पकाया देखिए उत्तज पक्को रंगा जो रात को पकाए लेकिन दुआ तो कर लो ना दो मिनट बहुत वक्त है हाँ बता रब आसमान दुनिया पे आया हुआ है और पुकार रहा है कौन है मुझसे सवाल करे मैं उसको अता कर दू कौन है मुझसे मखफ तलब करे मैं उसको माफ कर दू और तुम सेहते हो कि मेरी काम नहीं हो रहा है मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है मुझे ये तकलीफ है अरे रब से 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 शिकवा करो ना जी लोगों लोगों क्या करते हो लोगों से कहना छोड़ दो राजदान अपने रब को बनाओ हजरत याकूब ने जैसे अपने आप को बना लिया था हजरत यूसुफ के गुम होने के बाद चालीस साल का अरसा था चालीस साल का अरसा एक दो दिन नहीं था चालीस साल का अरसा था और ये चालीस साल में हजरत यूसुफ के गम में रोते 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 हजरत याकूब की आंखें चली गई हांवत आइना हो मिनल फहुवा कजीम रब कहता है इनकी आंखें सफ़ेद हो गई रो 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 के गम को अंदर दबाते 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 कजीम हो गए वव्वत आईना हो मिनल फहुवा कदीम लेकिन किससे बातें करते थे किससे शिकायतें करते थे किससे रोते गिड़गिड़ाते थे जब बेटों ने खुद बाप नबी बेटे इबन नबी होने के बावजूद भी इस हालत रोने को देखकर बेटों ने खुद कहा कि बाप पागल तो नहीं हो गए आप कितना रोएंगे आखिर और कितने साल रोएंगे यूसुफ के गम में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं गुजर गया एक वाकया तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने बेटों से यही कहा कि बेटो मैं तुमसे कुछ कहता हूं तुमसे कोई शिकायत करता हूं तुम्हें बार बार तंग करता हूं तुम्हें गालियां देता हूं कि कहा यूसुफ को ले जाके फंसा दिए गुंगा दिए नहीं अश्कू मेरी शिकायत मेरा गम सब का सब अल्लाह की तरफ है मैं बैठता हूं रब से बात करता हूं मैं बैठता हूं रब से रोता हूं मैं बैठता हूं रब की याद करता हूं मैं बैठता हूं रब से कहता हूं कि अल्लाह मेरा यूसुफ कहां होगा मेरे यूसुफ से मिला दे और अल्लाह ने वो दुआ भी अपने पैगंबर की चालीस साल बाद कबूल की और यूसुफ से मिला दिया हाँ दुआएं यूं जल्दी कबूल नहीं हो जाती यूं हाथ इन नीचे करते ही गुजर जाना करते वहां से ऊपर से खान कैसा उतरिंगा बिजनेस करते ही तुम्हे रब से ना मांगना तुम्हारा काम है देना उसका काम है मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो हाँ। हाँ। लेकिन यह बात याद रखो कि मांगना हो तो सिर्फ रब से मांगो क्या मिलेगा तुझे आदमी से आदमी से कभी ना मांगो खा वो हकीकी दुनिया में हो खा वो क्या है गैबी दुनिया में हो बाज लोग समझते क्या है मांगना तो क्या है गैरुल्ला से शिरक है अपने से मांगना बिल्कुल जायज है लेकिन वो मांगने से भी आप अलग रहे ना अल्लाह आसमान से इंतजाम करता है मैं किसी से नहीं मांगता कुछ रब चाहे तो देगा देगा जरूर देगा हाँ देगा जरूर अल्लाह के रसूल को इसी से वादा लिए थे। तुम एक चीज भी नहीं मांगोगे, के पानी खत्म हो गया तो पानी लाओ बोल के भी अपने बेटे से नहीं बोलते थे क्योंकि अल्लाह के ने सख़्त वादा लिया था कुछ नहीं मांगोगे जिंदगी में किसी से कहते हैं कि ऐसे साहबी जब दज़ला के मैदान जबला के समंदर में सफर कर रहे थे मुजाहिदीन के साथ और उनका जो कोड़ा था वो गिर गया था और खुद उस वक्त अपने सवारी से नीचे उतरे कोड़ा उठाया फिर चढ़ गए समंदर के पानी में तो लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े साहबी हैं अगर हमें हुक्म देते तो हम भाग के ले आके आपको दे देते इतनी मशक्कत उठाने की क्या जरूरत कहा कि मेरे हबीब से मैंने वादा किया कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगा किसी से तो एक कोड़ा उठा के दो भी नहीं मांगता मैं तोहैद की आला आजमत रब पे मुकम्मल भरोसा तो रब से मांगो वो देने वाला है तो अल्लाह तआला शहर के वक्त बड़ा ही करम वाला बड़ा ही रहम वाला उसकी रहमतों की बरका बरस रही है अब दुआएं करें छोटी छोटी दुआएं याद रख लें छोटी छोटी दुआएं कभी रब बना आतिनाफिक दुनिया कभी रब बना लात तो बना कभी रबली तो रब वरहम एक एक दुआ अस्तफर एक एक दुआ आप याद रखें तीस दुआएं और तीस मांग आपने पूरी कर ली फिर शहरी आपकी अपनी मुनासिबत से खाएं शकील गजाएँ किसको हजम होती है वो खाएं, किसको ना होती है वो क्या है खफीबाएँ खाएं, हल्की फुल्की गए खाएं, और ठंडे का इस्तेमाल न करें आज की हैसियत से मैं कह रहा हूं गर्म चीजों का इस्तेमाल यानी गर्म का मतलब बटेर मुरख मुसलम नहीं है गर्म पानी गर्म पानी गर्म चीजें कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें ज्यादातर मौके महल के अतबार से कह रहा हूं वरना तो हदीस में कोई इसकी ममानियात नहीं है फिर इसके बाद आप जैसे ही ख़त्म हुआ शहरी का वक्त दो रक़ात जो सुन्नत है दुनिया माफी से बेहतर है फजर की दो सुन्नतें दुनिया माफी से बेहतर है तो आप उसको अदा करें तहयतुलमस्जिद मस्जिद मस्जिद को आए तो पढ़ें फिर दो रकात ना पढ़े हो तो तब पढ़ ले सकते हैं सुन्नत या नहीं तो सुन्नतें घरों में अदा की जाती हैं याद रखिए है। सुनन नवाफिल का दर्जा घर में है ज्यादा फराइज का दर्जा मस्जिद में है तो आप उसको मेंटेन करना नहीं चाहते नहीं हो रहा है घर तंग है तो यहां तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद दो रकात पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद नमाज फजर। फजर का शुहूद बहुत अहम है हाजरी इन निकाना मशहूदा कुरान सुनने की कोशिश करें नींद में गलता ना हो हाथ बना सोच मालूम उसे नींद में ट्रुकू करता नींद में सजदा करता नींद में सब पूरी नमाज पढ़ता हो आंखें खोल के रख के क्या पढ़ रहे हैं गौर करें फिर इसके बाद हो सके तो ये रमज़ानुल मुबारक गैर मुबारक दोनों के लिए आपका पैकेज है उम्रा व हज का कि आप चाश तक बैठ जाए उसी मुकाम पर जहाँ आपने अदा किया है हाँ चाश की नमाज तक सूरज निकलने तक उसके आठ दस मिनट बाद दो रकात नमाज अदा कर लें इब्न मालिक की रिवायत है कि जिसने ये कर लिया उसके लिए मुकम्मल हज मुकम्मल हज और उमरे का सवाब मिलेगा मुकम्मल कामिलन हज उम्रे का सवाब। खाली कितना वक्त जी जहां वो नमाज पढ़ा वहीं बैठ गया सूरज निकला दो रकात नफिल नमाज पढ़ के निकल गया बस ये काम अगर कोई कर लिया तो मुकम्मल हज और उम्र का सवाब है रमजान में करा तो दस उम्रे और दस हज का सवाब। क्योंकि दस ने किए, एक ने की दस है हालांकि आप आधा घंटा भी नहीं देंगे एक घंटा भी नहीं देंगे बैठ जाए और उस वक्त में जिक्र करना हो तो जिक्र करें या कुरान पढ़ना हो तो कुरान पढ़े या नहीं उतना भी नहीं है तो कोई हदीस की किताब कोई अच्छी किताब कोई क्या है आपको अखलाकी तौर पर सिखाने वाली कोई भी किताब पढ़ लें फिर उलमा कहते हैं कि कुछ देर अगर आपके ऑफिस जाने से पहले आपको मिल रहा है तो आराम इस्तराहत कर लें अगर नहीं ऑफिस को जाने का वक्त इश्तराक के बाद बराबर बराबर है तो फिर इसके बाद अल्लाह तवक्कुल निकल जाए अपने काम में काम रखें लेकिन ये याद रखें कि आप रोजे से हैं गाली गलोच से अपने मुंह को जुबान को बंद रखें अपने अखलाक आदात को ठीक रखें सबसे अहम तरीन बात नौजवानों से कह रहा हूँ कि अपने आँखों को ठीक रखें क्या मतलब आँख में दर्द होता है रोजा रखने से नाना ना, ना वो नहीं कह रहा हूँ अखलाक एतबार से आँखों को ठीक रखें फाड़ फाड़ के हर आने जाने वाली को वाले को देखना अखलाक नहीं है हाँ खुद मर्दों को घूर घूर के देखना अख्लाक नहीं है तो औरतों को घूर के देखना तो इससे बदतरीन अखलाक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें निकाल के नहीं देखा करते थे जबकि सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमारी लड़कियों से ज्यादा बाहया थे और देखना भी होता तो कभी कभी क्या है यूं देखते थे यूं यूं नहीं देखते थे कि फाड़ के लोग क्या हैं शर्मा जाएं लोग क्या है गुफ्त महसूस करें कि ये क्या इत, ऐसा देखता है ये तो मर्दों का मामला औरतों को तो देखना ही हराम है वो क्या है व्हाट्सअप पे हो यूट्यूब पे हो मजाक में हो सीनरीज में हो हाँ बाज लोग बोले गए थे अल्लाह की मखलू खूबसूरत देख को सुबहान अल्लाह बोले तो क्या अल्लाह ने की नहीं देगा क्या बोला कहते इन मसाइल में मत पड़े हाँ खूबसूरत और चीजें भी हैं उनको देख के सुबहान अल्लाह कहें ये चीजें नहीं हो जाती तो अपनी आंखों को अपनी आंखों को मेंटेन करें अपनी आंखों को मेंटेन करें खा मर्द हो खा औरतें हों अपनी आंखों को मेंटेन करें फिर इसके बाद नमाज जहर का वक्त आता है तो वक्त मुक्रा पे पड़ जाए क्योंकि पहले वक्त में पढ़ना अल्लाह के नज़दीक महबूब है बनस्बत लेट करके पढ़ने में पहले वक्त में जो शुरू होती है जहां भी है नमाज पहले वक्त में वहां अदा करें और इसमें इससे पहले चार रकात की सुन्नत है जो आप दो दो करके भी पढ़ सकते हैं बाजू लल्ला ने इजाजत दी है कि चार भी पढ़ सकते कहते हैं और इसके बाद दो हैं रवातिब के हिस्से से ही जो के बारह रकात के अंदर आते हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेंटेन कोई कर लिया तो अल्लाह उसको अलग से जन्नत में एक महल देता है उन में, उन बारह रकात में फजर की दो जहर से पहले चार जहर के बाद दो आठ हो गए ना अब सुनो फिर मगरिब के बाद दो फिर ईशा के बाद दो 12 हो गए ना ये 12 को सुनन रवातिब कहते हैं हां सुन्नत मददा कहते हैं बाज लोग उसे यही है वो सुन्नत सुनत जिसका एहतमाम कर लेने से क्या है आपको अल्लाह तबार व तआला अलग से एक महल देता है जन्नत में तो ये नमाज जोर अदा कर लेने के बाद थोड़ी देर इस्तिराहत कर लेना कैलुल्ला कर लेना जिस्म के लिए भी अच्छा है रूह के लिए भी अच्छा है अगर आपका काम इजाजत नहीं देता तो आप अपने काम में मसरूफ रहिए लेकिन इबादत सिर्फ क्या है बैठ कर करने का नाम नहीं चलते फिरते भी कर सकते हैं जिक्र असकार में अपने आप को क्या है जरूर भी जरूर मशगूल रखिए और कुछ नहीं हो रहा है काम ऐसा है जो हाथों का भी है पाओं का भी है तो सुन तो सकते हैं ना जी एयरफोन है आपके पास मोबाइल है तो कुरान सुना करें या तर्जुमा सुना करें या कोई भी किताब आप एम पी थ्री में उठा लें और वो सुना कर

याद रखो इसकी सबसे बड़ी दलील ये गाने हैं गाने कोई भी शौक से बैठ को याद नहीं करता वो करते रहेंगे बहुत से दूसरे मेरे ख्याल से यहां आने वाले तो नहीं करते रहेंगे उसने जन मेरा है भाई फिर भी कौन क्या करता मुझे नहीं मालूम बहरे कैफ उसको भी दस पंद्रह याद होते वजह क्या है वो सुनते रहता सुनते रहता सुनना नहीं छोड़ता तो सुनते रहना भी एक बहुत बड़ी इल्म हासिल करने का जरिया है बहुत बड़ा तो आप सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें कुछ भी नहीं पढ़ने का जी नहीं कर रहा है तो सुनते रहें ना जी सुनते रहें सुनने में क्या हर्ज फिर इसके बाद नमाज असर नमाज असर से पहले चार रकात है इसको भी आप दो या चार मिला के पढ़ से पढ़ सकते हैं और दो भी पढ़ सकते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अलग से अल्लाह की रहमत खास होती है जब तुम ये नमाज पढ़ते हो अल्लाह की रहमत को खास तौर पर हासिल करना चाहते हो तो नमाज असर से पहले पहले चार रकात पढ़ो जो एक सलाम के साथ हो या दो सलामों के साथ दो दो बोल के पढ़ो दोनों इजाज़त हैं फिर इसके बाद वो वक्त है जो आज हमारे लिए गंजी बड़े बुंडा, समोसा शीख कबाब रोटी फलाफल। हालांकि ये वो वक्त नहीं है मेरे भाई जो ये असकार का वक्त है ये ये असकार का वक्त है ये इबादत का, का वक्त है बहुत प्यारा वक्त है और ये दरअसल फितनों और इसी तरह शैतानों के पहलने का भी वक्त है तो अपने घरों में बंद रहो अपने जनल दरीचे बंद रखो दुआओं में रहो अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर पर कहा कि यहाँ तक के मगरिब का वक्त करीब आ जाए तो सब दरवाज़े बंद करो और सब जनल बंद करो और अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ो यहाँ तक के मगरिब का वक्त ना हो जाए क्योंकि ये शैतानों के निकलने का वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया और हमारी पूरी शॉपिंग शैतानों के निकलते वक्त ही होती है हम भी उसी तरह शैतान बन के निकलते हैं फिर बाद में क्या हो गया इन्हें ऐसा चीखता उन्हें वैसा चीखता उन्हें रात में सोता नहीं रात में उठ उठकर ऊपर छत में लग जाता कहते कौन सा कि बच्चा हाउ लगेंगे अच्छी तुम्हें करते सो काम आऊँ क्या हूँ तो तुम खुद हिफाजत को खुलाड़ा मारते हो अपने घरों की हिफाजत का अल्लाह के रसूल ने बताया है जनल भी बन करो बोले हैं दरीचे बन करो बोले हैं तो हम क्या हैं उसकी परवाह ही नहीं करते हमारा पूरा शॉपिंग शाम में और वो भी खरीब वक्त में असर गए ग्रूब होते वक्त निकलते हैं याद रखिए है, ना निकला करें उमूमा न न निकला करें ज़रूरत है वो और बात है बच्चों को तो ख़ास कर अपने आप में रखें अपने घरों में रखें इबादतों में मशगूल रहें और बिल्कुल करीब इफ्तारी का वक्त आ गया तो दुआ करें ये ख़ास दुआ का वक्त है अल्लाह ताला चांस देता है कि तुम मांगो मैं कबूल करता हूँ तुम मांगो मैं कबूल करता हूँ और इसी तरह हदीस में आया है कि हर रात या इफतारी का वक्त कुछ लोगों को अल्लाह रमजान के हर रात या इफतारी का वक्त कुछ लोगों को अल्लाह रमजान की हर रात या इफतारी का वक्त तो क्या करता है कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है जहन्नम से आज़ाद करता है जहन्नम से आजाद करता है और बगैर मांगे उनको जहन्नम से आजाद करता है ये एजाज़ है रमजान का खास वक्त है किसी गुनाह की वजह से हमें क्या है जहन्नम भी मिल रही है अल्लाह ताला आज़ाद कर दे उस वक्त के मुकाबले में तो कितनी बड़ी बात है तो दुआएं करो अल्लाह तबार मांगो फिर हिलका सा इफ्तार करो हिल्का सा नमाज मगरब पढ़ लो फिर बजाओ पहले बजाओ मत हाँ नमाज नहीं पढ़ सकते नमाज में बड़ी तकलीफ होती है उसके बाद की सुन्नत नहीं पढ़ सकते तकलीफ होती है पेट भर के है और दिन भर भूखा अलग था ये मिला वो मिला क्या क्या मिला सब उठा को डाल लिया अंदर क्या होना सो हालत है नमाज में हांडी पक रही है पक रही है डकार देता है पता नहीं क्या देता है वजू टूटा है नहीं टूटा है समझ नहीं आता हमें तो याद रखिए हिलका सा कर लो नमाज पढ़ लो फिर खाओ पूरे इतमान के साथ और दिन भर की जो भी क्या है आपकी ख्वाहिश मरगूब गजाएं वो भी लेके तक फिर ईशा की तैयारी करो ईशा की नमाज में पहुंचो और ईशा में पहले भी सुनते हैं लेकिन मुक्कदा नहीं है लेकिन बात की मुक्कदा है दो रकात फिर इसके बाद साथ में रहो तराबी पढ़ो यहां तक के इमाम मुकम्मल ना कर ले तुम मुकम्मल ना करो बाज लोग दो पढ़ते चार पढ़ते छह पढ़ते निकल जाते याद रखिए बहुत गलत गलत कर रहे हैं क्यों मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा एक सहाबी नमाज़ पढ़े नमाज़ जब हो गई अभी रात बाकी थी अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम ने कहा कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं या नमाज़ मुकम्मल कर लेते हैं तो सहाबीी ने कहा कि अल्लाह के, के रसूल अभी तो रात बाकी है और आपका साथ मिला है तो मैं पूरी रात ही पढ़ना चाहता हूँ आप साथ तो अल्लाह के रसूल सल्हुह वसम ने इनकी हिरस को देखते हुए फ़रमाया कि बेटा देखो जो शख्स इमाम के साथ नमाज शुरू करता है और इमाम के साथ खत्म करता है खा वो कितना कम ही पढ़ा हो लेकिन उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है शर्त यह है कि इमाम के साथ खत्म करे पहले नहीं इसी वास्ते उलमा कहते हैं कि जब आप पढ़ने जाए इमाम के साथ तरावी इमाम जब तक ना मुकम्मल करे तब तक आप मुकम्मल करके ना निकले तो आपको पूरी रात का नमाज का सवाब मिलता है जिसको आज बहुत से लोग भूल चुके हैं या पता ही नहीं है उनको वो आते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं निकल जाते हैं कभी ख्वाहिश हुई दू कभी ख्वाहिश हुई चार बस मसला खत्म ना 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 बहुत बड़ा सवाब है इमाम के साथ ही रहने पर और इमाम मुकम्मल करे तब मुकम्मल करें इमाम जब मुकम्मल कर दे तब तुम भी मुकम्मल करो तो आपको पूरा पूरा सवाब मिलता है फिर इसके बाद आप अपने लिहाज से मुताला करें रात का मुताला बहुत अच्छा है या जल्दी सो जाकर रात में मुताला करें आ, अत्तार हो रूमी हो गाजी हो गजाली हो राजी हो गजाली हो बहुत अच्छा शहर है इकबाल ने कहा था अत्तार हो रूमी हो राजी हो ग़ज़ाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे शहरगाही शहर के वक्त जागने के बगैर ना कोई क्या बन सकता है बड़ा आदमी नहीं बन सकता है मुताले का वक्त तो वो है कि शहर में जागो शहर में पढ़ो आज बम्बन ले लिया हो उन्हें छोटी बनने को बराबर बैठता तीन बजे पढ़ने हमें क्या है आठ बजे उठ को बोलते कि अभी क्या नाश्ते में पका है यह हालत हो गई हमारी रातों का मुताला असल है अबुल कलाम आजाद रहीम कहा करते थे कि मैं उस वक्त पढ़ता हूं जब दुनिया सोती है मेरी शुरुआत ही पढ़ने की वही होती है के मामूल उनके जेल में भी नहीं गया कई बार क्या है हिंदुस्तान की जंग लड़ते हुए वो क्या है जेल में गए हैं जेल में भी मामूल इनका नहीं बदला जेलर आके खुद उठाया करता था कि मौलाना आपका वक्त हो गया है तीन बजे बराबर उठ जाया करते थे इसे इमाम हिंद से ताबीर किया गया और ऐसे इमामते वाक आप उनके किताब का एक सफा पढ़ जाए और समझ जाए ना आज के बहुत बड़े अल्लामा है आप उनके लिखी हुई एक सफा पढ़ के समझ नहीं सकते ये उनकी लिखत है खाली खिताबत में भी अल्लाह ने बहुत बड़ा और मक्के में पैदा हुए थे और पूरे हिंदुस्तान को लीड किए मुफसर भी थे भी थे खतीब भी थे और हिंदुस्तान आजाद हुआ मरते दम तक एजुकेशनल मिनिस्टर भी थे हिंदुस्तान के सबसे पहले मिनिस्टर आजादी के बाद से 1947 से लेकर 1958 मरने तक वही अकेले एजुकेशनल में मिनिस्टर थे कौन मुसलमान एजुकेशन में नंबर एक पे पहला मिनिस्टर आज कान जी है कौन है कोई नहीं है एजुकेशन क्या है मालूम नहीं हम दिनों दुनिया का इल्म रखने वाला यह इमाम अपने मुताले के इब्तदा शहर से करता था यह बहुत अहम वक्त है तो इस तरह एक शेड्यूल बनाओ ऐसे ही बनाना नहीं है अपने अपने अवकात के लिहाज से मेरे भाईओ तो महम्मदीकम दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ के निशातात हों यहाँ के काम हों इसके लिए क्या है फ़ंडस की ज़रूरत पड़ती है और ये फ़ंडस मांगना जो है ना ये दरअसल नबी की सुन्नत है नबी ने भी क्या है उभारा है अल्लाह के राह में दो ऊपर से आसमान से उतर के दिन का काम होना था तो फिर अल्लाह के रसूल वसल्लम कभी क्या है इनफ़ाक़ के लिए नहीं उभारते ये काम इंसानों के हाथों उनके माल से उनके अनफाक़ से ही चलता है अल्लाह ने यही शेड्यूल बनाया है यही तबीयत रखी है तो इस वास्ते मुबारक का महीना है क्योंकि तीन अकसाम हैं हमारे एक तो वो है जो मरकज चल रहा है जिसके तकरीबन सत्तर अस्सी हज़ार रुपये माहाना ख़र्च हैं अगर मिला लो तो तुम क्या है सात आठ नौ लाख रुपये होते हैं और ये ख़र्चा आपके अतैयात से पूरा होता है और इसमें भी ये बात भी वाज़ कर दूँ कि इसको ज़क़ात दे सकते हैं क्योंकि फ़ी सबील का एक मुद्द है जिसके अंदर मराकज़ मदारस आते हैं तो आप डायरेक्ट मरकज़ को ज़क़त दे सकते हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए या सुनेंगे वो लोग ज़क़़त के माल निसाब तक पहुँच चुका है साहिब माल हैं साहेब निसाब हैं ज़क़ात देना है तो हम अपील करते हैं कि यहाँ पर दीजिए यहाँ जो काम हो रहा है वो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि दीन का जो काम हम मुसलसल कर रहे हैं तो ज़कात भी दें और मरकज़ का ये जो शेड्यूल है दूसरा वो है जो इफ्तारी का हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए एक दिन का ख़र्चा इफ्तारी का चार हज़ार रुपये हो रहा है क्योंकि किसी का रोज़े के खुलवाने पर हेल्प करना या उनके लिए फ़राहम करना खाना या जो भी चीज़ें हैं तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा सवाब लिखा है बताया है कि उसको पूरे एक दिन के रोजे का सवाब मिलेगा तो ये एक शेड्यूल हमारा चल रहा है तीसरा सबसे अहम तरीन शोबा वो है जो हमारे मस्जिद का है जो अल्लाह के फजल से यूं समझो कि हमने एक छोटे से ख्याल से शुरू किया था कि हमारा बजट भी उतना नहीं था उस वक्त हमारा ख़्याल भी उतना नहीं था लेकिन अल्लाह मदद करता गया छोटी सी एक ज़मीन एक बंदे ने वफ़ की फिर जो जमाशुदा पूंजी थी हमने उसे बंधन पे लगाया फिर अल्लाह के फज़ल करम से बाज़ू वाली ज़मीन आई जिसके मिलने से एक ग्राउंड से ज़्यादा हो गया है दो हज़ार सात सौ स्क्र फिट है तकरीबन एक ग्राउंड दो हज़ार चार सौ है तो तीन सौ स्क्वेयर फिट और ज़्यादा बना जिसके बाद हमें अल्लाह के फजल कर करम से बात बहुत चीज़ें उसके अंदर हम ला सकते हैं बहुत काम मज़ा के लिए कर सकते हैं तो अल्लाह का फजल है कि उसके डेढ़ करोड़ रुपये भी जो हमने खर्जा लेकर शुरू कर दिया था जमीन ने रजिस्टर करवा के काम शुरू किया था गुजश्ता रमजान में मैंने एक बात कहा था अल्लाह पता नहीं किन बातों में क्या असर रखता है लेकिन मुझे इतनी इतना तो मालूम है कि यह बात बहुत असर की मैंने एक आपको आइडिया दिया था और उस वक्त आवाम भी नहीं थी मैंने दरअसल क्या किया था वो लाइफ में कहा था मैंने कहा था कि देखो कितने लोग हैं जो रमजानुल मुबारक में साल साल से उम्र के लिए जाते हैं कोई पहले पंद्रह दिन के लिए जाता है कोई बाद के पंद्रह दिन के लिए जाता है कोई मुकम्मल एक महीने के लिए जाता है ईद मना के आते हैं कितने मालदार लोग हैं लेकिन उस वक्त आपको मालूम है गुज़िश्ता साल जितनी पाबंदी अब है उससे भी सख्त तरीन पाबंदी थी इस हालत में मैंने ऐलान किया था कि भाई जो लोग अगर बनीयत उम्रा जो ख़र्चा होता है सवाब के नीयत से आप मस्जिद के लिए दें वो रकम एक लाख होता है किसी को पचास हज़ार होता है साठ हज़ार होता है एक पैकेज उम्र का आप यही नीयत करके सलाम के खर्जे के लिए जो कि सत्तर लाख उस वक्त था अगर आप दें और अल्लाह तबारा व तआला क्या आपको वो सवाब नहीं देगा आपका उम्र आपके घर बैठे आपको सवाब नहीं मिलेगा पता नहीं किस हद तक यह बात लोगों ने कबूल की अल्लाह तबारक व तौला ने उनके दिलों में डाला अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि बहुत ऐसे तरीके से अल्लाह व वाली ने इंतज़ाम किया कि सत्तर लाख का कर्जा हम अदा कर चुके यानी दस लाख ऐसा कुछ बाकी है वो भी अपनों का है बकिया साठ लाख का कर्जा हम मुकम्मल कर चुके अब कर्जे से मस्जिद आज़ाद है अब तकमील और पूरी लवाजिमात लिफ्ट टाइल्स ए सी सैनिटाइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए एक तरह का क्या है सत्तर लाख रुपये की और ज़रूरत है लागत जो बनती है मैंने कल जब विज़िट की रमज़ान से पहले जो इंजीनियर हैं जो बन रहे हैं उनसे मैंने पूछा तो उनका भी यही था कि लगभग सत्तर लाख के करीब का ख़र्चा अभी है तकमील के लिए जितना जल्दी पैसा आएगा हमारा इरादा तो यह है कि हम रमज़ान से पहले इसकी ओपनिंग कर दें अगर तवील हो भी तो अगले रमजान से पहले पहले तक तो एंडिंग आखिरी तो हम इसकी मुकम्मल तकमील के बाद अगली तरावी और रमजान हम मस्जिद में गुजारें आप लोगों का साथ जरूरी है इन शाह तो सुनने वालों से जहां तक ये चीज ये बात जाएगी उन सब से कहता हूं इसके लिए आगे आओ आज भी वही उम्र पैकेज फिर आपके लिए मौजूद है अगर कोई कर रहे हैं और आज आपके लिए वहाँ नहीं जा सकते और उस चीज़ के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है आप पहुँच नहीं सकते क्योंकि कानून है तो अल्लाह के पास तो क़ानून नहीं है ना जी अल्लाह तो बेहिसाब देने वाला है अल्लाह के पास दो अल्लाह की राह में दो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरा तो इरादा तो उम्र का सवाब था क्योंकि उम्र रमज़ान में हज के बराबर होता है हदीस के अल्फाज रमज़ान में उम्र तो हज के बराबर तो अल्लाह नहीं कर सका मैं कवानी दुनिया के कवानीन के हिस्से से लेकिन तू अगर देने पे आए और यही अमाउंट मैं अल्लाह तेरी मस्जिद के लिए दे रहा हूं तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं देगा क्या भाई बोलते हैं देगा ना तो आप लोग आगे आएंगे ना और उसके साथ साथ मरकज़ के अखराज के लिए भी जो हो सकता है आप कीजिए आज कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं जो भी हैं जिम्मेदार आप उनके पास भी पहुँचा सकते हैं अल्लाह तबारक व ताली हमें देने वाला हाथ बनाए लेने वाला हाथ ना बनाए अल्लाह तबारक व ताली ने जो कुछ भी सखावत के अंदर रखा है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व ताली व बखीली में नहीं रखा है बड़े बरकात हैं सखावत के बड़े बरकात हैं हती कि ये जो करोना है ना जी ये फसादात है ना ये बलाए हैं ना याद रखो टालना है ना सखावत को लाजिम पकड़ो सखावत को लाजिम पकड़ो कोई मरीज हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाके करोड़ों के लिए क्या है स्पेशल स्पेशल वार्ड के लिए तरस रहे हैं बंदे लेकिन समझते नहीं है कि उसका एक इलाज सखावत में भी है उस मरीज के लिए पैसा निकालो अल्लाह की राह में दे दो अल्लाह ताला डायरेक्ट उसको शिफा देगा बलाओं को टालने वाला सदका है बीमारियों को टालने वाला सदका है अल्लाह के गुस्से को गजब को ठंडा करने वाला सदका है पता है आपको सदके की अहमियत पता है रब की राह में देने के क्या है इनामात और एहसानात और बरकत पता है इसी वास्ते हम देखते हैं कि सहाबा ने इस पर अमल किया तो उनका दौर बड़ा पुरअमन गुजरा अल्लाह ने दे दिया ऐसे दे दिया कि देते रहो देते रहो फिर भी मालदार रहे आज बकीली का दौर है यह क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग बखील हो जाएंगे और आज हम देखते हैं कि सौ साल पहले जितने वक्त शुदा जमीने हैं जितने मालदार जैसा खोल खोल के देते थे आज सौ साल बाद वैसा देने एक घर नहीं दिया आज तक कोई उस जमाने में बड़े बड़े लैंड दे देते थे देखो जितने अवकाफ की जमीनें हैं कितने इतने बड़े हैं लेकिन दिए कब सब सौ साल पहले अब कौन दिया अब बोलो भाई तुम्हारे पास दस घर आई हैं घर दया लो भाई उसका जो भी है किराया आमदनी सब हम गरीबों में बांट देते हैं क्या आज ही होगा और एक एक घर लेने की कोशिश कर तू मौली साहब मैं जरा तंगी में हूं कहते भी रहा तो लागो दे बोलता उन्हें बखीर आ गई और ये बखीले क़ियामत की निशानी अल्लाह बखीली से बचाए अल्लाह बखीले से बचाए आमीन भी बोलता नहीं देखो तो कहाँ बोले तो मेरा मेरे पर्स खुल जाएंगे कि बोल डरता है इस तौफीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल नबीना महम्मद